ओए बहादुर रेडी जी मैडम जी। ओए चाचे और पैसे और अंडे लोड हो गए से, सावधानी से किसी को पता ना चले। हम अभी अंदर से कुछ पेपर लेकर आते हैं। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। ओए भतीजे, लगता है अंडों से चूजे बाहर निकल आए। ऐसे तो चोर को पता चल जाएगा कि पैसे उस वैन में नहीं, इस वैन में है। चाचू धीरे बोलिए। और ये बोलने की जरूरत ही क्या थी, अगर चोर को नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा कि किस वैन में पैसे हैं। मैं उन चूजों को संभालता हूँ। ओए भतीजे, तू तो बिना बात की निराश हो गया, ऐसे डांट के चला गया जैसे कि मैंने वैन का पासवर्ड ही बता दिया हो, 4160। भला हो उस चाचा का जिसने मेरा सारा काम आसान कर दिया। चाचे बाय बाय, ध्यान रखना। बाय, आप भी अपना ध्यान रखना। ओ वैन, ओ पैसों का वैन किधर से? ओ चाचे तन्ने किसी से कुछ कहा तो नहीं? ओ जी मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि इस वैन से मुर्गियां अंडों से बाहर निकल आई हैं। ऐसे तो चोर को पता चल जाएगा कि पैसे इस वैन में नहीं, उस वैन में हैं। मैंने कौन सा वैन का पासवर्ड बता दिया, 4160। अगर कुछ सही बोल नहीं सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद तो रखते, सब गड़बड़ कर दी। अगर मेरे बोलने से इतनी गड़बड़ी हो रही है तो मैं आज से बोलना ही बंद कर दूंगा, मैं मौन व्रत धारण कर लूंगा। रहने दे चाचे, तन्ने सिर्फ बोलना आता है, मुंह बंद रखना थारे बस की बात है ही नहीं। अच्छा ठीक है। अरे चाचू रुकिए तो सही। ओ भतीजे, मन्ने उस चोर को ढूंढने में थारी मदद लगेगी। ओए खोजी सिंह जी, ओ कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी बोलती बंद हो जाए। अभी लो जी, खोजी के पास हर मर्ज की दवा है। मैंने ये बंदूकनी की वैन से चुराया है, सारा पैसा इस लाल बैग में भर लिया है। आज रात काली पहाड़ी के रास्ते में हरी नगर पहुंच जाऊंगा और वहां से गायब। हाँ, जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। ओहो, ये चाचा कहां से आ गया? वे चलाक चोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अरे जा कहाँ रहे हो, डोज बाकी है। चाचू ये आपको क्या हुआ? रे चाचे के बोल रहा सा, इब वॉल्यूम बढ़ा। Thank you.
अरे चाचे, यो डमचराट खेलने का वक्त ना से, मन्ने वैन के चुराए पैसे ढूंढने से। चालक चोर, चाचू क्या आप चालक चोर कहना चाहते लाल बैग। काली पहाड़ी। हरी हरी नगर, यानी चालक चोर लाल बैग लेकर काली पहाड़ी के रास्ते से हरी नगर जा रहा है। ओ, मैं उस चालक चोर को कहीं भागने नहीं दूंगी। अरे मेरे बर्फ के गोले के पैसे तो देते जाओ। ये बंदूक नहीं, यहाँ कैसे आ गई? अरे चालाक चोर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओ चाचे, थारी खबर तो पक्की सा ना? ओ भतीजे, ओ जल्दी से खोजी से एंटीडोट लेकर आ और चाचे के मौन व्रत को खत्म कर, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। है? ओ या मैं परेशान हूँ और तू नाच रहा है? अरे चाचे, बोल नहीं सकता था कि पीछे गड्ढा से। क्या हुआ चाचा? आप यानी चाचा मुझे ही बोल रहे थे? चाचू, अब इशारों में बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये एंटीडोट ले लीजिए, आपकी आवाज वापस आ जाएगी। भतीजे, बंदूक बंदूक दी कटा बहादुर जाल। ओफो चाचू, अब आप टुकड़ों में क्यों बात कर रहे हैं? लगता है आवाज पूरी तरह से वापस आने में वक्त लगेगा। ओए मन्ने, बाहर निकालो। मैडम जी, आइडिया। भतीजे, मेरा भतीजा गिर गया, ओ कोई बचाओ। ओए भतीजे, ओए भतीजे, ओए तू यहाँ? ओ तो फिर वो चाचू, आपकी आवाज पूरी तरह वापस लाने के लिए मुझे गिरने का नाटक करना पड़ा। ओए भतीजे के होते चाचा को कुछ नहीं हो सकता। ओ कित से चालाक चोर, हमारी लात से बच ना सके है। अरे भाई साहब, अब तो मेरे बर्फ के गोले के पैसे दे दो। हाय हाय, पहले मेरा गोला ले लिया, अब मेरा पूरा ठेला ही लिए जा रहे हो। ये गर्मी में बर्फ के गोले कहाँ से बरस रहे हैं? वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है, हम तेरी मदद करते हैं। मेरे बाल सफेद कैसे हुए? मैं अचानक बूढ़ा कैसे हो गया? अरे मेरा ठेला मिल गया, लेकिन मेरे सारे गोले, सारी शरबत खत्म। हाय हाय।
ओ बंदूकनी जी, चलाक चोर को पकड़ने में इसके बर्फ के गोले बहुत काम आए। इसकी नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए। ओहो जी जरूर। और कानून की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से इनाम का एक हिस्सा इन्हें मिल जाएगा। चाचू अब ठीक तो है? अरे फिर से बोलती बंद। फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखापे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।